फिर जी बिरयानी मसाला आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मैंने बिरयानी मसाला लिया है 1 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून। करी पत्ते मैंने लिए हैं तकरीबन 3 अदद। चार अदद लौंग, 3 स्टिक्स ली हैं मैंने दालचीनी की। बड़ी इलायची ली है मैंने 3। तीन अदद प्याज बड़े साइज के तो मैंने इस शेप में काट लिया है। आधा कप इमली ली है मैंने और उसमें 1 कप पानी मिला दिया है। इसको पानी में 15 से 20 मिनट भिगोए रखेंगे। साबुत काली मिर्च के मैंने दाने 8 से 10 लिए हैं। 3 टमाटर लिए हैं मैंने बड़े साइज के। जीरा मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। दही मैंने ली है 300 ग्राम यानी कि 1 प्याली। 15 मिनट बाद जो हमने इमली को पानी में भिगोया था उसको हाथ से मसल के गुठलियों को फेंक देंगे और जो उसका पल्प होगा उसको हम मसाले में डाल देंगे। चावल मैंने लिए हैं 1 केजी यानी 1 किलो। उबले हुए सफ़ेद चने या इनको चिक पीस भी कहते हैं मैंने लिए हैं 2 कप बॉइल्ड। अदरक का पेस्ट मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। टमाटरों को मैंने कट कर लिया है। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, उसमें 1 कप ऑयल डालेंगे और प्याज जो हमने कट किए थे उनको डाल के अच्छी तरह फ्राई करेंगे जब तक कि वो ब्राउन नहीं हो जाए। दूसरा एक बड़ा पतीला लें, उसमें पानी डाल दें 1/2 पतीला और उसमें ये सारे स्पाइसेस ऐड कर दें। इसमें हम चावल उबालेंगे तो उसके लिए मैंने नमक डाला है 3 टेबल स्पून। कुछ डालने के बाद पानी उबलने दें और जब पानी उबल जाए तो उसमें चावल डाल दें।
देख रहे हैं कि मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया है। अब हम इसके उबलने का इंतज़ार करेंगे, तब तक हम अपना चनों का मसाला रेडी करते हैं। वो बॉईल हो रहा है पानी, तब तक हम एक ब्लेंडर लेंगे और उसमें दही डाल देंगे जो हमने ली थी, टमाटर कट किए जो थे और डाल देंगे, और जो प्याज फ्राई किए थे वो सब डाल के अच्छी तरह ब्लेंड कर देंगे। फिर जी जिसमें हमने प्याज फ्राई किए थे उसी बर्तन में हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे और उसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। जब वो फ्राई हो जाएगा उसमें फिर हम अच्छा अब ब्लेंडर का जो पेस्ट रेडी किया था इसमें हमने डाल लिया है। अब हम इसमें इमली का जो पल्प हमने रखा था वो डाल देंगे। इसको 5-10 मिनट के लिए पकने दें ताकि जो मसाला है वो थिक हो जाए। मसाला थिक हो चुका है, अब हम इसमें इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे और उसके बाद इसमें चने ऐड कर देंगे। मसाला थिक हो जाए तो इसमें बॉयल जो हमने चने उबाल के रखे थे उनको डाल देंगे। चने क्योंकि पहले से ही बॉइल्ड है इसलिए इसको थोड़ी देर बस पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है इसमें, बहुत थोड़ी देर इसको बस पकाएंगे। चावलों को इतना पकाना है कि वो एक कनी रह जाए और फिर उनको छलनी में डाल के उसका सारा पानी निकाल के चावल लैदा कर लेने। हम चावलों के ऊपर लेयर लगाएंगे मसाले की और फिर उसके ऊपर चावल डालेंगे। मैंने येलो फूड कलर ऐड किया है और उसके बाद इस पे ग्रीन चिलीज डाल देंगे और 15 मिनट के लिए इसको दम पे रख देंगे। हमारी मज़ेदार चटपटी चना बिरयानी हो गई है रेडी देगी स्टाइल की। इसको घर में बनाएं और फैमिली के साथ मिलकर इंजॉय करें। होप सो यू लाइक दिस व्लॉग। इस देगी स्टाइल चना बिरयानी को अपने घर में बनाएं और फैमिली के साथ मिलकर इंजॉय करें। इंशाल्लाह आप लोगों की बहुत अच्छी रेसिपी ये बनेगी और आप लोग मेरा चैनल खुद बहुत सब्सक्राइब करने पर मजबूर हो जाएंगे। लाइक एंड शेयर दिस व्लॉग, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू सम अनदर व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।